मूवीज में भूतों को देखकर उतना डर नहीं लगता जितना डर एक क्लाउन को देखकर लगता है। मतलब मजा ही डबल हो जाता है अगर हमें मूवी में कोई क्लाउन या फिर साइको दिख जाए। जोकर को कौन नहीं जानता, चाहे वो 90s के जैक निकोलसन हो या डार्क नाइट के हीथ लेजर या पिछले साल आई जोएकिन फिनिक्स की जोकर। जोकर ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। सुसाइड स्क्वाड के जैरेड लीटो को छोड़कर जोकर हमेशा से हमें बहुत कूल लगा है। लेकिन आज CLS आपके साथ शेयर करेगा कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की लिस्ट जिसे हमने मूवीज, कॉमिक्स और वेब सीरीज में अपीयरेंस रखने वाले डेडली, हॉरिबल और डार्क क्लाउन्स को ध्यान में रखकर बनाया है। तो हेलो गाइज एंड वेलकम टू कॉमिक लॉजिक एंड साइंस, और शुरू करते हैं। नंबर 7, क्रूक्ड मैन, कॉन्जरिंग 2। ये कैरेक्टर सबसे पहले दिखा कॉन्जरिंग 2 में। इसके इस लिस्ट में होने का कारण है इसका लुक जो एक क्लाउन की तरह है और किसी को मारने का स्वैग। अब क्योंकि ये घोस्ट है इसलिए इसकी हाइट नॉर्मल पीपल से ज्यादा है। इसकी बॉडी एक जायंट फ्रॉग से मिलती जुलती है और ये एक अम्ब्रेला अपने साथ कैरी करता है, भूतिया अम्ब्रेला, और सेफ शिफ्टिंग इसकी मेन पावर है। नंबर 6, विदूषक। ये कैरेक्टर सुपर कमांडो ध्रुव का विलन है। वैसे राज कॉमिक्स में और भी कई सारे क्लाउन्स हैं पर यह उन सब में सबसे ज्यादा कूल है। इसकी पागलपन का पता रीडर्स को तब चलता है जब सर्वनायक सीरीज में यह नक्षत्र को चाकू मार देता है और इसकी लुक जोकर की तरह ही है। नंबर 5, रियुक द शिनिगामी। अब मुझे नहीं पता मैंने इसे यहाँ पर क्यों रखा, शायद इसलिए क्योंकि इसकी लुक मुझे काफी हद तक एक क्लाउन की तरह लगी और यह डार्क भी था। रियुक को हम देख सकते हैं एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे डेथ नोट में। रियुक एक शिनिगामी होता है, अर्थात मौत का देवता, जिसके पास डेथ नोट होता है, और शिनिगामी डेथ नोट में जिसका भी नाम लिखते हैं वह मर जाता है और मरने वाले की उम्र उसे मिल जाती है। स्पॉइलर, रियुक किसी को ब्रूटली तो नहीं मारता पर डार्क तो वह है और इसका लुक काफी हॉरिबल और मेकअप जोकर की तरह ही है, इसलिए यह हमारे लिस्ट में एक अच्छी पोजिशन ले पाया। इसके अलावा भी कई सारे शिनिगामी हमें डेथ नोट में देखने को मिलते हैं पर ये सबसे ऑसम है। नंबर 4, जैक कोल्डर। आई बेट आप में से काफी लोग इस कैरेक्टर को नहीं जानते होंगे पर ये कैरेक्टर पूरा पागल है जोकर की तरह। ये डिप्रेस लोगों को फाड़ चीड़ कर खा जाता है और अपने पालतू जीवों जो किसी भी एंगल से पालतू नहीं लगते उन्हें खिला देता है, और ये DC के जोकर का सगा भाई लगता है। और बिल्कुल उसी के तरह इसके भी बहुत ही लेम और हॉरिबल डायलॉग्स होते हैं। ये बहुत डार्क कैरेक्टर है, कभी पढ़ना जरूर। नंबर 3, हसमुख। ये कॉमिक्स का कैरेक्टर नहीं है ना ही मूवी का, ये नेटफ्लिक्स का वेब सीरीज है और ये जोकर से इंस्पायर्ड है। ये एक फेल स्टैंड अप कॉमेडियन होता है जिसको वक्त और जज्बात एक सीरियल किलर में बदल देते हैं और एक हसमुख क्रिमिनल में बदल जाता है। इस कमाल के कैरेक्टर को प्ले किया है वीर दास ने और इसकी अदाएं बिल्कुल ही DC के जोकर की तरह है। अगले कैरेक्टर को आपने गेस कर ही लिया होगा। नंबर 2, पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन। ये कमाल का और डरावना क्लाउन निकला है मशहूर हॉरर राइटर स्टीफन किंग के नॉवल इट से, और इस कैरेक्टर पर 90s की ईट TV सीरीज और दो मूवीज 2017 की ईट चैप्टर 1 और 2019 ईट चैप्टर 2 में अपीयरेंस आप देख सकते हैं। पेनीवाइज एक हॉरर कैरेक्टर है, गोस्ट है, मल्टीवर्सल बीइंग है, क्या है पता नहीं, जो जिंदा लोगों को खा जाता है, वैसे लोगों को जो उससे डर जाते हैं। इसके पास सेफ शिफ्टिंग, इल्यूजन क्रिएटिंग, हिप्नोटिज्म जैसे कूल पावर्स हैं, और जब ये डराता है ना तो मतलब सच में डर लग जाता है। नंबर 1, जोकर। जोकर DC का ATM मशीन है। ये कैरेक्टर हजारों कॉमिक्स, दर्जनों वीडियो गेम्स, 4 लाइव एक्शन मूवीज और कई सारी TV सीरीज में देखा जा सकता है। इसकी कूलनेस और डार्कनेस का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसने अपनी गंदी चालों से हर फील्ड में झंडे गाड़े हैं।
आप सोच रहे होंगे कि डार्क हॉर्स का मास्क कहाँ है, मैं क्लियर कर दूं, मैंने यह लिस्ट सिर्फ डार्क कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इसके अलावा भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमारी लिस्ट में जगह नहीं बना पाए। वो बहुत ही कूल है पर इतने नहीं कि हमारे लिस्ट में जगह बना पाए। जैसे कि फिक्शन कॉमिक्स का साइकोपैथ, याली ड्रीम क्रिएशंस के कारवा सीरीज में अपीयर हुआ डार्क क्लाउन, एंड इसके अलावा 2017 में एक और मूवी आई थी क्लाउन डिस्ट की, क्लाउन हॉरर मूवी ही थी, पर वो हमारी लिस्ट में जगह नहीं बना पाई क्योंकि उसकी रेटिंग्स बहुत ही कम है। एंड जब मैंने पर्सनली जब वो मूवी देखी तो मुझे भी वो अच्छी नहीं लगी। ऑलमोस्ट 20-30 मिनट देखने के बाद मैंने डिलीट कर दी। तो आई होप आपको ये लिस्ट अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो लाइक कर दो। अगर कोई क्लाउन मुझसे छूट रहा हो तो उसे नीचे कमेंट कर दो। अपने लिस्ट भी हमारे साथ शेयर करो और आपके हिसाब से ये लिस्ट किस ऑर्डर में होना चाहिए था। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।